प्रमुख सचिव से मिले निर्देश के बाद भिंड जिले में सड़क पर एक्सीडेंट में गायों की मौत पर जिला प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है। इसी के चलते जिला पंचायत सीईओ जगदीश गोमे ने गौशालाओं के संचालक के लिए सख्त निर्देश दिए हैं और जो सरपंच गौशालाओं को शुरू नहीं कर रहे उन्हें धारा 40 के नोटिस दिए जा रहे हैं और नोटिस के बाद भी गौशाला का संचालन न करने वाले सरपंचों पर पद से पृथक करने की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी और पंचायत सचिवों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। गौरतलब है कि भिंड जिले में कुल 83 गौशालाएं हैं जिनमें 73 पूर्ण रूप से बनी हुई हैं, जिसमें 34 गौशालाएं वर्तमान में संचालित हैं और 39 गौशालाएं संचालित नहीं हैं। गौ माता की लगातार दुर्दशा और बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए जिला पंचायत सीईओ जगदीश गोमे ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि यदि सरपंच पूर्ण हो चुकी गौशालाओं को शुरू नहीं करते तो उन्हें धारा 40 का नोटिस जारी किया जाएगा और पद से पृथक करने की भी कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व में फूप और महगांव कस्बे में ट्रक से कुचलकर एक दर्जन से ज्यादा गौवंश की मौत हो गई थी, जिसको लेकर कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने फूप सीएमओ हनुमंत भदौरिया और एक पंचायत सचिव पर कार्रवाई भी की थी। हालांकि नोटिस की जानकारी मिलते ही सरपंचों में हड़कंप मच गया है और वो अपनी अपनी बंद पड़ी गौशालाओं को जल्द शुरू करने के प्रयास में जुट गए हैं। मुख्य सचिव महोदय के निर्देश हैं कि जितने भी हमारी गौशालाएं वर्तमान में पूर्ण हो चुकी हैं उन सभी गौशालाओं को संचालित करना है ताकि जो रोड पे अननेसेसरी जो मवेशी रहते हैं और जिनकी वजह से एक्सीडेंटल झोन बन जाते हैं और कई बार जनहानि की संभावनाएं बनी रहती हैं, इन सब चीज को ध्यान में रखते हुए गौशालाओं को संचालित करने का अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक भिंड जिले में 73 गौशालाएं पूर्ण हो चुकी हैं, उसमें से 34 गौशालाएं जो है रनिंग कंडीशन में है और वो शुरू हो गई है। इसके बाद में 39 गौशालाएं जो है उनमें बार बार निर्देशों के बाद में भी ये गौशालाएं रनिंग में नहीं आ रही है, इसलिए ये कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सभी 39 पंचायतों में संबंधित सरपंचों के विरुद्ध जो है अगर वो संचालित करने की स्थिति में नहीं आते हैं तो धारा 40 के नोटिस हमने जारी करने का निर्णय ले लिया है और इसी के साथ साथ जो हमारे पंचायत के सचिव जो इस काम को नहीं कर पा रहे हैं या जो इसमें लापरवाही बरत रहे हैं उनके विरुद्ध भी जो है अनुशासनात्मक और वो भी कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश और नोटिस जो है कल